वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, सत्संग जी। ये बड़ी जरूरी बेनती है, इहनू सुणियो भी, और सुनण तों बाद हर सोशल मीडिया साइट दे उत्ते, हर ग्रुप दे विच शेयर जरूर करियो। हर महीने की 20 तरीक नूं असीं माता कौलां जी दे गुरद्वारे श्री अमृतसर साहिब शुकराना समागम दे लई एकत्रित हुंदे आं। पर इस वारी ये 20 तरीक का जिहड़ा समागम है वह माता कौलां जी दे गुरद्वारे नहीं होएगा। प्यारिओ, बहुत सारिया संगतां दे सानू सुनेहे आ रहे सी, क्योंकि जिवें सारिआं नूं पता है 7 जून तो लैके 16 जुलाई तक 40 दिन का अमृत वेले का समागम रखे राम तीरथ रोड विखे। इस करके फिर जी रैन सफाई असी जून के महीने करनी सी वह मिस कर रहे स, पर संगत दे उस तो बाद इन्ने ज़्यादा मैसेज आने शुरू होए कि रैन सफाई मिस ना करो, तो संगत दे हुक्म नूं मंदिया होया ये रैन सफाई समागम 20 मई को धन बाबा दीप सिंह जी के पावन पवित्र जन्म अस्थान पौवंड साहब विखे ये रैन सफाई समागम होणगे रात को 9 बजे तो अमृत वेले 3 बजे तक। और जिन्हों का दिता असी खाने हाँ, जिन्हों का दिता पहन रहे हैं, और मेरी ये निजी फीलिंग है जिन्हों के दिते असी सा भोग रहे हैं ना, सह ले रहे हैं, उन्होंने पावन पवित्र जन्म अस्थान के उत्ते ये रैन सफाई का समागम आ रहा। मेरी बेनती अगे मैं कहना हूं ना, 5-5, 10-10 मैंबरों को नाल लैके पहुँचे हो, पर हूँ इदा नहीं, तुसी 100-100 मैंबरों को बसा कर लो, भावें ट्रक कर लो, गड्डिया का प्रबंध कर लो, सारे परिवारक मैंबर ने जो तुसी रोजाना जुड़ते हो ना, तुहाडे चरणों च मेरी बेनती 100-100, 200-200 मैंबरों को नाल लैके, क्योंकि जदों असी राम तीरथ रोड विखे चुपहरा जप तप समागम करते हैं जां कौलसर साहब करते हैं, तुहानू सबनू पता है बाबा दीप सिंह जी प्रतख बह के सारियां दे माड़े कर्मां दे बंधन कटदे ने, ते इह रैन सफाई समागम ते हो ही बाबा दीप सिंह जी दे जन्म अस्थान ते रही है। वह जन्म अस्थान जिथे बाबा दीप सिंह जी बचपन दे विच खेडे ने, जिथे बाबा दीप सिंह जी ने बचपन दे विच घालना घालियां ने, इह उहो ही अस्थान है जिस अस्थान तो बाबा दीप सिंह जी फिर आनंदपुर साहब गए बाजां वाले माई दे चरणां दे विच अमृत की दात प्राप्त करने वास्ते। कण कण उत्थों दा पवित्र है, आओ सारे रल मिल के बाबा दीप सिंह साहब जी की कमाई नूं नमस्कार करन दे लई 20 मई नूं रात नूं 9 बजे ये रैन सफाई शुरू होनी है। सारे परिवारक मैंबरां ने 7 बजे तक पहुँच जाना, सारिया संगतां ने, और फिर चौंकड़े मार के तुसी जो रैन सफाई समागम नूं अटेंड करना है, लंगर प्रसाद पहले ही छक लियो, फिर तकरीबन 8:15 बजे सब ने चौंकड़े मार के बह जाना, 9 तो अमृत वेले 3 बजे तक ये सारा रैन सफाई समागम का आनंद मानना। और मेरा ये निजी विश्वास है, ये बाबा आनंद सिंह साहब के भी बचन ने, एक रात तू प्यार दे विच गुरु दे लिखे ला दे, पता नहीं गुरु साहब ने तेरिया किनिया क माड़िया दुखों दियां रातां कट देनियां ने। प्यारिओ, अपने पुठे कर्म सीधे करवाउण दा वेला आ गया जे, बख्शिशां दे नाल झोलियां भरवाउण दा वेला आ गया जे। बाबा दीप सिंह जी दे जन्म अस्थान ते हाजरी भर के बाबा दीप सिंह जी दीआं खुशियां लुट्टण दा वेला आ गया। एक एक दी झोली बाबा दीप सिंह जी ने भरनी नहीं उस दिन, ये मेरा विश्वास है, एक एक दी झोली नहीं भरनी, एक एक नूं लखां लखां दीआं झोलियां भरन वाला बना के भेजना। आओ सारे वहीरां कत्त के 20 मई को रात को 9 तो अमृत वेले 3 बजे तक रैन सफाई समागम होएगा। और विशेष बेनती जड़ियां अमृतसर शहर तो आने वाली संगतां ने, जां दूर दुरेडे तो बाहरों आने वाली संगतां ने, जिन्हां नूं इस जगह का नहीं पता, ये भिखीविंड दे कोल है बाबा दीप सिंह जी का जन्म अस्थान। जे कोई कन्फ्यूजन होवे, आप जी शाम को 6 बजे 20 तरीक शाम को 6 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र पहुँच जाओ, उस जगह तो बसा का गड्डिया का प्रबंध होएगा तुहानू पौवंड साहब ले जाण दा वी, ते वापसी बीबी कौलां जी भलाई केंद्र छड्डण दा वी। ये मेरी बेनती है प्यारिओ, ये सारा समागम PTC सिमरन दे उत्ते लाइव भी आएगा, साडा जिहड़ा यूट्यूब चैनल है भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल, उहदे उत्ते भी लाइव दिखाया जाएगा। जिहड़े बाहर रहण वाले उहना टिकटां टुकटां बुक करा लो, बच्चियां दी नहीं छुट्टी, छुट्टी करवा लो, कोई फर्क नहीं पैणा। एक दिन आओ बाबा दीप सिंह जी दीआं खुशियां लईए, एक रात बाबा दीप सिंह जी दे लेखे ला के शहीद सिंघां दी गोद दे विच अपनी ये रात बिताईए। बाहरों आउण वालियां संगतां दे चरणां च फिर मेरी बेनती है, जिथों भी तुसीं प्यार दे विच आ सकदे हो ना आ जाओ, जहाज दीआं टिकटां कराउणियां जहाज दीआं करा लो, गड्डी दीआं कराउणियां गड्डी दीआं करा लो,
पर सारे परिवारक मैंबरां दे चरणां च बेनती हुम हुम आ के सब ने 20 तरीक नूं जो गुरद्वारा बाबा दीप सिंह जी का जन्म स्थान पौवंड साहब उस जगह पर दर्शन देने की कृपालता करनी। ये सारे समागम मेरे बड़े ही सत्कारयोग भाई साहब जी भाई गुर इकबाल सिंह जी उन्हां दीआं सीसां और प्रेरणा सदका हो रहे हैं। इस समागम का जिहड़ा सुनिया वध तों वध हर ग्रुप के शेयर जरूर करियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी सारी संगत प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। अज गुरु रामदास जी का बाबा दीप सिंह साहिब जी का संगत रूपी परिवार रांची इस पावन पवित्र गुरु घर दे विच एकत्रित होया। सारे परिवारक मैंबरां नूं अज दी परिवारक मीटिंग दे विच मैं जी आया आखदा। आओ जिन्ना क समा पिता जी ने सेवा लैनी है एडी तगड़ी भावना बना के बैठो। इधर जिधर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है एडी तगड़ी भावना बना लो कि गुरु ग्रंथ साहिब दे रूप दे विच हाजर नाजर गुरु रामदास जी चौंकड़ा मार के बैठे ने। ते जिथे गुरु रामदास बैठे होण बाबा दीप सिंह जी उन्हां दे पावन पवित्र चरणां दे विच बैठे होंदे ने। जदों इस फीलिंग नाल इस भावना नाल बैठोगे कीर्तन करन दा भी कीर्तन सुनन दा भी बहुत आनंद वधेगा। आओ 7-8 मिनट वाहिगुरू गुरमंत्र दा जाप सारी संगत प्यार दे विच हाजरी लायो। कोई रसना वंझी ना रहे। ये सारा प्रोग्राम साढ़े यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल दे उत्ते लाइव शुरू हो चुके हैं। जिहड़ियां संगतां लाइव देख रही ने अगे तो अगे लिंक शेयर करो और तुसी भी बाद विच जा के ये प्रोग्राम साढ़े यूट्यूब चैनल पर वेख भी सकते हो ते वद तों वद शेयर भी कर देना और चैनल सबसक्राइब कर देना। आओ बड़े प्यार से जुड़िए। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे गुरु जपो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तन वाहे साध जप आदि
सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्भर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप भाग सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्भर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु रामदास जी मैं तेरा तन गुरु रामदास जी मैं तेरा तन गुरु रामदास जी मैं तेरा तन गुरु रामदास जी बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मेरा
संगत बहुत प्यार दे विच जुड़ी है, जुड़ रही है। इत्थे हुण अंदर बहण की जगह नहीं, नाल वाला हाल है। संगत उत्थे भी बैठ सकती है, जिथे जिथे जगह मिले। गोडे उठाओ, संगत नूं बिठाओ। आओ, शब्द पढ़न तो पहला जिहड़ियां मैं दो तीन बड़ियां जरूरी बेनतियां करदा, वो करके असी अगे वधांगे सतगुरु सेवा लैण। रांची वाले हो, चढ़दी कला च हो, बस इसे चढ़दी कला च बहना है तुसी। गुरु जी की मेहर नाल मेरी भी अरदास करनी ते अपनी भी। पहली बेनती अज दे कीर्तन दे, जदों धन कमाने घर चीज़ा आदियां ने धन दे, जो बंदा नौकरी करता है या अपना बिजनेस करता है वो घर के चीज़ा आदियां ने, सुख सहूलत बढ़दियां ने प्यारे ओ। पर जदों असी धन दे नाल किसी दियां असीसा कमाने ना, असीसा ते प्यारे ओ, उहदे नाल हुंदा की है, जदों धन दे नाल असी असीसा कमाने आ, धन आया घर दे विच सुख सहूलत दियां चीज़ां आईयां, पर जदों धन दे नाल असीसा कमाने आ घर विच खुशी सेहत ते प्यार भी आउंदा है। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। जदों धन दे नाल नाल असीसा कमाने आ, देखो धन वह भी है जेड़ा चोरी करके कमाया जाता है, ठगी करके कमाया जाता है, किसी नूं धोखा दे के कमाया जाता है। उहदे विच असीस नहीं, उहदे विच बद असीस शामिल हो जाती है। पर जदों तू दसां नौवां की किरत आप करदा है,
जिथे भी तू नौकरी करने है या तेरा बिजनेस है कुछ भी तेरा कारोबार है उस काम दे प्रति ईमानदार है ना ईमानदार ते यतन करना है कि मैं काम कर रहा मेरे कीते हुए काम दे नाल कोई गलत कमाई मेरे घर दे विच ना बढ़े असीसा वाला धन मेरे घर आवे कला धन कमाओगे धन दे नाल सुख सहूलत दीयां चीजां घर च आउणगीयां पर जे धन दे नाल नाल असीसा कमाओगे ना घर दे विच सेहत भी आएगी सब राजी रहणगे खुशी भी आएगी ते प्यार भी आएगा खो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार ना लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी अज जिन्ने असी गुरु रामदास जी दे बाबा दीप सिंह जी दे संगत रूपी परिवारक मैंबर हन ये मेरी बेनती है बेनती साडे घर दे विच ओ धन आवे जिस धन दे नाल किसी की बद असीस ना साडे घर च आवे ये चीज़ का ध्यान रखियो साडे घर वो धन आवे जिस धन दे नाल असीसा आउण असीसा आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल सारे आखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी धन बाबा दीप सिंह जी अगली गल सुनियो ध्यान नाल अपनी मंजिल का रस्ता जिन्ना दूजियां तो पुछोगे ना उन्ना भटकते जाओगे सुनियो ध्यान नाल अपनी मंजिल का रस्ता जिन्ना तुसी दूसरियां कोलों पुछोगे ना भटकोगे दस बई मैं की करा मैं किवें चल सकदा हाँ ओदी सलाह लै लै जिहड़ा इस मार्ग ते तुरिया पर फैसला अपने आप कर आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी जे बहुतियां दियां सलाहां नहीं जाएगा ना जिन्ने बच्चे बैठे ने बच्चियां ने पेरेंट्स की सलाह लैनी है पर तुसी को बार वालियां दी सलाह कदी दूजियां दी कदी तीजियां दी फिर पटकोगे वो तुहानू पटका देणगे जिन्ना तुसी अपनी मंजिल दे बारे दूजियां तो पुछोगे पटक जाओगे क्योंकि तुहाडी मंजिल दी अहमियत जिन्नी तुसी जानदे हो ना कोई दूजा नहीं जानदा हुण मैनू किन्नी कु भुख लगी है कि मैनू पता है ना किन्नी भुख लगी मैनू पता है मैनू किन्नी प्यास लगी प्यास दा मैनू पता है मैनू केड़ी चीज दी लोड़ उस लोड़ दा मैनू पता है जे तुसी अपनी ये चीज दूजियां नू दसी जाओगे ना वार वार वो तुहानू सुलझाउण दी जगह उलझांदे जाणगे ये मेरी बेनती है हाँ जे रस्ता नहीं ना मिल रहा रस्ता नहीं मिल रहा एवें एक दूजे कोलों पुछण दी बजाए सवेरे उठो अमृत वेले जदों अमृत वेले उठोगे तो एकाग्र चित हो के अपने गुरु रामदास बाबा दीप सिंह दे चरणां दा ध्यान धर लेना ते ध्यान धर के बेनती करो मालक जी फलाणी आ चीज का रस्ता मैनू नहीं लभ रहा ये मंजिल का रस्ता मैनू नहीं मिल रहा कृपा करो तुसी आप मेरे अंग संग सहाई होके वरतो आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी जदों तुसी मालक पिता दे चरणां विच अरदास करोगे ना फिर तुहानू ओ सही रस्ता विखाउणगे जे कदी किसे तो पुछ लिया कदी किसे तो पुछ लिया कदी किसे तो इदां ते उलझदे जाओगे अमृत वेले उठ के अपने आप तो पुछो अपने मालक तो पुछो क्योंकि जिन्नी तुहाडे अंदर अहमियत है ना तुहाडी मंजिल दी ओह दूजियां दे अंदर नहीं सच्चाई है सच्चाई दूजे ते कई बारी मजाक करनगे तुहाडे नाल आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी सच्चाई कह रहे आ टिकचरां करनगे मजाक करनगे अपनी मंजिल दी अहमियत तुहाडे तों वध होर दूजा कोई नहीं जाणदा इस करके सलाह भी अपने नाल अपने आप नाल बच्चे ने जेड़े अपने मापियां नाल ते नाल अपने मालक गुरदेव पिता दे नाल अमृत वेले उठ के पुछ लिया करो रस्ता मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली मैं गल कह रहा डेफिनेट रस्ता मिलेगा ही मिलेगा जो मर्जी हो जाए अगली गल ये भी ध्यान नाल सुने आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी मन कर्म ते बचना तो स्वच्छ रहो मन तो कर्मा तो ते बचना तो
मन करके भी स्वच्छता जरूरी है, बार की सफाई भी जरूरी, तेरे मन की सफाई भी जरूरी है। ते मन की सफाई होएगी किवें? भरिए मत पापा के संग ओ धोपै नानक, जदों तू संगत विच बह के जपेंगा वाहे गुरु 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 वाहे। कपड़ा गंदा होया, कपड़े नू साबण लाया, उपर पाया पानी, मैल ते लथ गई, पर होंदा पता की है, मैल दे नाल नाल साबण भी लथ जाता है। इदां ही हुंदा है ना, कपड़े दे उत्ते जदों साबण लाया, तुसी साबण ला के कपड़े नू चंगी तरह झग कर ली कि मैल इहदी उतरे, उपरों जदों पानी पाउंदे हो मैल ते उतरदी, पर मैल दे नाल नाल साबण भी उतर जाता है। पर नाम की एडी वड्डी वडियाई है, जदों तुसी नाम जपना शुरू करदे हो, इस नाम का सदका जेड़ी पापा की मैल है, जेड़ी पापा की गंदगी वो तो बाहर आती है, पर उत्थे साबण बाहर निकल गया कपड़ा जदों तुसी धोता, पर इत्थे मैल बाहर कढ़ी नाम ने, पर ज्यों ज्यों मैल बाहर निकली त्यों त्यों नाम बाहर नहीं निकलिया, त्यों त्यों नाम ने अंदर वसना शुरू कर दिता। ये वड्डी वड्याई है नाम दी, कपड़े नू साबण लाया मैल भी निकली, पानी पाया साबण भी निकल गया, गंदगी दे नाल नाल गंदगी धोण वाली चीज भी निकल गई। पर प्यारे ओ, ज्यों ज्यों असी नाम जपदे आ, नाम मैल ते बाहर कढ़दा ही है, गंदगी बाहर कढ़दा, पर गंदगी दे नाल आप बाहर नहीं निकलदा। ज्यों ज्यों मैल बाहर निकलती है त्यों त्यों नाम अंदर वसना शुरू हो जाता है। मन नू स्वच्छ करन दा बड़ा सौखा तरीका है, बड़ा सौखा तरीका। 15 मिनट तो शुरुआत करो, अद्धे घंटे तो शुरुआत करो, बच्चे छोटे ने मैं कहना 10 मिनट तो शुरुआत करन, पर करो जरूर। जिन्हां दे नेम अगे डाढ़े ने उन्हां लई मैं गल नहीं कर रहा, तुसीं ते अपने नित नेम ते कायम रहना है, होर वधाउणा है, पर उन्हां लई गल हो रही जेड़े अजे बिल्कुल शुरुआत भी नहीं जिन्हां ने कीती होई। 10 मिनट तो शुरुआत कर लो, 15 मिंटा तो कर लो, अद्धे घंटे तो कर लो, कि मैं चौंकड़ा मार के कमरे दे विच एकाग्र चित करन दा यतन करना है। यतन करना साडी ड्यूटी है, नहीं जुड़दा ना जुड़े, पर मैं यतन तो कर सकदा ना, हिम्मत तो कर सकदा ना। गुरु पिता दे चरणा दा ध्यान धर के 15 मिंट 20 मिंट मैं सिमरन करना ही करना है, करना ही करना। ते जिथे जिथे मैनु होर लाड आवे मैं इदा भी करना है, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह। मैं वाहेगुरु कह किनू रहा, निशाना सामने रख के तीर चल रहे ने, मेरा वाहेगुरु गुरु रामदास, मेरे वाहेगुरु बाबा दीप सिंह, बाबा दीप सिंह मेरे वाहेगुरु है जी, वाहेगुरु बाबा दीप सिंह जी, गुरु रामदास मेरे वाहेगुरु, वाहेगुरु गुरु रामदास जी। इस भावना का ऐ मैल लथनी शुरू हो जानी, इदा जिहड़ा कहने ना मन नहीं लगता बड़ी जल्दी लगेगा। ते एक तरीका होर सुन लो, अच कई बहुत सारे सवाल करते हैं कि साडा ते बाणी पढ़ने सिमरन करते हैं मन नहीं लगता, एक सैकेंड च मन लग सकता, पता किवें? जदों चौंकड़ा मार के बहिंदे हो ना, आ जिहड़े साडे श्वासां की प्रक्रिया ना, श्वासां की असीं हुण गल्लां कर रहे हैं बैठे हैं, ये महसूस नहीं होंदी, महसूस नहीं हो रही किसी नूं, इस श्वासां की प्रक्रिया नूं महसूस करके गुरु के चरणों का ध्यान धर के जपना शुरू करो, मन इदां जुड़ना शुरू हो जाए। श्वासां की प्रक्रिया नूं महसूस करो, श्वासां की, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, श्वासां की प्रक्रिया नूं महसूस करके जपया करो।
मैं जिहड़ी गल कर रहा सां मन करके स्वच्छ करमा करके भी स्वच्छ करमा करके भी मैं इहो जे कर्म ना करा जिन्ना कर्मा दे करके मैनू लेखा देना पवे मैं इहो जे कर्म ना करा जिन्ना कर्मा दे करके गुरु पिता जी मेरे वालों नाराज हो जाण मैं इहो जिहा कर्म ना करा जिस कर्म नू करन दे नाल उन्ना दी जगह ते मेरे पापां दी तह उच्ची होनी शुरू हो जाए मन करके भी स्वच्छ करमा करके भी स्वच्छ ते बचना करके भी स्वच्छता अंदर रखो आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी बचना करके भी इहो जे बोल ना बोलो जिन्ना बोलना दे नाल सामने वाले दा खरदा दुख जावे भुलो ना जेड़ा सामने वाला है ना वह गुरु रामदास तेरे अंदर बैठे ने सामने वाले दे अंदर भी गुरु रामदास बैठे हुए आखो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी तेरे करके किसे दा दिल ना दुखे यतन कर बाकी इंसान भुलना हो सकती है पर कोशिश तो कर सकते हैं कि नहीं ट्राई तो कर सकता है ना हिम्मत तो कर सकता है ना मन करके करमा करके बचना करके स्वच्छ रहो क्योंकि एक चीज का ध्यान रखियो दिखावे दे नाल बंदा लोकां नू खुश कर लैंदा है पर परमेश्वर ते नीयत वेखदा है नीयत है जी दिखावे नाल लोकां नू खुश कर सकदे हां आपां वाह वाह होगी बल्ले बल्ले होगी उत्तों मैं चंगे कर्म करी जा रहे हैं सेवा वाह वाह जी बड़ी सेवा बड़ा अमृत वेला पर अंदर नीयत खोटी है धियां भैणों का भी धन खाण लग्या मैं गुरेज नहीं कर रहा है जी जदों घर दे विच कलेश पिया है ना मैं ही पाया बंटवारा मैं ही करा रहा भरा हिस्सा घट मैं दे रहा तो दूजे पासे मैं कह रहा मैं अमृत वेला संभाल रहा बाबा ते नीयत वेखदा आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी बाबा ते अंदर वेखदा बई अमृत वेले नाल तू दस बंदियां दे उत्ते प्रभाव पा लिया बड़ा वड्डा भगत है बाबा की तो भगत ते तां बनेगा जो बोलना जो जपना उनू कमाउणा भी शुरू कर बाबे ने ते नीयत वेखनी उत्तों दी किरिया तेरी जेहो जी मर्जी है पर जे तेरी नीयत साफ है ना बाबा कहिंदा मैं तेथों दूर नहीं जिथे बैठेगा जदों बैठेगा तेरे नाल मैं भी चौंकड़ा मार के बैठांगा आखो धन गुरु रामदास क्योंकि तेरे अंदर भोला पाए भोला पाओ गोबिंद मिलावे भोले पा नू भाग लगदे ने जी मेरी बेनती है दिखावे की दुनिया तो बाहर निकली है दिखावे ना लोग खुश हो सकते हैं पर मेरा गुरु रामदास मेरा बाबा नानक मेरा बाबा दीप सिंह अंदरली नीयत वेखता है नीयत करके स्वच्छ होने का यत्न करिए आप सवरो परवास सवारो सारे आखो समाज आपे ही सवर जाएगा प्यार नाल फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी का गुरता गद्दी का दिवस कल लंघिया बड़ा वड्डा दिन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी गुरता गद्दी ते बैठे ने ते आओ गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की वडियाई दे विच भाई साहब भाई गुरदास जी की कह रहे हैं सारी संगत प्यार दे विच सिद्धी जी धारना दे विच आपां कीर्तन करना ते मेरे नाल नाल सारे कृपा करियो कोई रसना मांझी ना रहे पुछना चढ़दी कला च हो देखो जिहड़ियां संगतां रोजाना दुपहरी तीन तो चार ते राती दस तो ग्यारह पीटीसी सिमरन के माध्यम राही जुड़दियां ने ना जिहड़ियां संगतां जुड़दियां उन्हां नूं ते पता है जदों मैं कहना चढ़दी कला च जकारा ला के फिर जवाब देना हुण मैं पुछना है ते सारी संगत ने जवाब देना चढ़दी कला च हो सो निहाल सत श्री अकाल आओ भाई गुरदास जी की कह रहे ने गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की उस्तत दे विच सारी संगत मेरे नाल नाल कीर्तन करियो जी गुरु गोबिंदों बाहरा दूजा नहीं कोई गुरु गोबिंदों बाहरा दो
ऊंचा नहीं कोई। ज्योति ज्योति
नहीं कोई गुरु गोविंदो बाहिरा दूजा नहीं कोई गुरु गोविंदो बाहिरा दूजा नहीं कोई हर गोविंद साहिब जी अन गुरु हर गोविंद साहिब जी अन गुरु हर गोविंद साहिब जी अन गुरु हर गोविंद साहिब जी पिता जी का नाम सारे लो मेरे तो बाद वीर तीजे हिस्से च भैणा गज के तन गुरु हर गोबिंद साहिब जी तन गुरु हर गोबिंद साहिब जी तन गुरु हर गोबिंद साहिब जी तन गुरु हर गोबिंद साहिब हर गोबिंद साहिब जी धन गुरु हर गोबिंद साहिब जी धन गुरु हर मेरी प्रीति ते मालिका अकाल तख्त ते मालिका मेरी प्रीति ते मालिका अकाल तख्त ते मालिका गोविंद बाहिरा
दुख सुख फल प्रेम रस सत संग अलोई। गुरु गोविंदो बाहिरा दूजा नहीं कोई, गुरु गोविंदो बाहिरा दूजा नहीं कोई, दूजा नहीं कोई, दूजा नहीं कोई, गुरु गोविंद हर गोविंद साहिब जी, धन गुरु हर गोविंद साहिब जी, धन गुरु अकाल तख्त दे मालिका, मेरी पीरी दे मालिका, अकाल तख्त दे मालिका, मेरी पीरी दे मालिका, बंदी छोड़ पिता, धन धन 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 बंदी छोड़ पिता, अकाल तख्त दे मालिका, गोविंदो बाहिरा दूजा नहीं कोई, गुरु गोविंदो बाहिरा दूजा नहीं कोई, गुरु गोविंदो बाहिरा दूजा नहीं कोई, गुरु गोविंदो बाहिरा दूजा नहीं कोई। वाहे गुरु,
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। सतसंग जी, आप जी बेनती है 20 मई को रात 9 बजे तो अमृत वेले 3 बजे तक रैन सुबाई समागम धन बाबा दीप सिंह जी के पावन पवित्र अस्थान जन्म अस्थान गुरद्वारा पहूविंड साहिब विखे करवाया जा रहा है। ये अस्थान जदों तुसी तरन तारण तो चबाल वल जाते हो अगे भिखीविंड तो तकरीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी पर यह अस्थान बनया होया। मेरी सारे परिवारक मैंबर के चरणों में सुनिमर बेनती है प्यारे हो कि इस रैन सुबाई दे विच, क्योंकि यह बाबा दीप सिंह जी का जन्म अस्थान है, जिस अस्थान पर बाबा जी का आगमन होया, बाबा जी बचपन में खेडे कमाइया कीतियां, उस पावन पवित्र अस्थान पर रैन सुबाई समागम ने। और बाबा दीप सिंह जी ने प्रतख रूप में बह के, क्योंकि उत्थे जर्रे जर्रे विच कण कण दे विच खंडे वाला बाबा वस रहा, तो बाबा दीप सिंह जी ने प्रतख रूप दे विच तुहाडी एक एक दी झोली नहीं भरनी, तुहानू एक एक नू लखां लखां दीयां झोलियां भरन वाला बनाउणा। आओ प्यारिओ, अपने पुठे कर्मां नू सिद्धे करवाउण दा समां आ गया, बाबा दीप सिंह जी दी खुशी लैण दा समां आ गया। 20 तरीक नू रात नू 9 बजे तो अमृत वेले 3 बजे तक रैन सुबाई समागम हो रहा। और जिहड़ियां संगतां अमृतसर शहर तो आने वाली ने उन्हां दे लई बीबी कौला जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड विखे जो शाम को 6 बजे तो बसा दा गड्डियां दा प्रबंध किया गया, जिहड़ियां गड्डियां जो पौविंड साहब लै भी जाणगियां और वापसी उत्थे छड्ड भी देणगियां। इस तरह शाम को 6 बजे 20 तरीक नू शाम को 6 बजे दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड, जिहड़ियां संगतां इधरों पिंडा तो आने वाली ने यह नोट कर लैन, 6 बजे शाम को दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीर्थ रोड विखे बसा दा गड्डिया का प्रबंध किया गया, जड़ियाँ पौविंड साहब लै भी जाणगियां और वापसी तुहानू इत्थों तक छड्ड भी देणगियां। इस मैसेज नू वध तों वध शेयर करो, बाहरों आने वाले बेनती जिन्होंने अजे तक टिकटां बुक नहीं ना कराइया करा लो, हुम हुमा के 50-50, 100-100 शरीरां नू नाल लै के वहीरां घत के जथियां समेत परिवारों समेत इस रैन सुबाई दे विच हाजरियां भरो। यह सारा समागम साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल और PTC सिमरन दे उत्ते भी लाइव दिखाया जाएगा। भुल्यो ना, ये मैसेज हर सोशल मीडिया साइट के उत्ते हर वट्सएप ग्रुप के शेयर जरूर करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी के बाबा दीप सिंह जी के सारे संगत रूपी परिवारक मैंबर अज मैं वधाई देने वास्ते तुहाडे सन्मुख होया। जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट अड्डा गोपालपुरा बटाला रोड यूनिट नंबर 3 20 तरीक नूं जो उहदी रजिस्ट्री सी, गुरु पिता जी ने कृपा की है, सारी संगत ने असीस दित्ती, जो अद्धी पेमेंट गुरु जी की कृपा दे नाल जा चुकी, जो तुसी किणका किणका देते हो क्योंकि बहुत वड्डी रकम बन जाती, 25,000 गज जगह और 2500 रुपया गज की सेवा, तो अद्धी पेमेंट जिहड़ी उहदे लई असी उहनां कोलों 3 महीने का होर टाइम लिया। ये रजिस्ट्री जिहड़ी 20 अप्रैल नूं होनी सी, अद्धी पेमेंट चली गई, हुण जिहड़ी अद्धी पेमेंट है वह 20 जुलाई तक असी उहनां नूं देनी है और फिर उस तों बाद इस जगह की रजिस्ट्री होएगी। जिहड़े जिहड़े प्रेमियां ने बहुत सहयोग दिता है, तुहानूं भी, और जिन्हां ने अजे तक सहयोग इस भूमिदान विच हिस्सा नहीं पाया, तुहानूं भी मैं बेनती करदा आप जी वध तों वध जोर लायो तां जो यह रजिस्ट्री 20 जुलाई तक हो सके। और तुहानू दसदिया होया मैनू खुशी महसूस हो रही है कि जो जी दया प्रवान पार्क
जो महाराज जी की कृपा नाल बन रहा बिल्कुल हुण थोड़ा जिहा कम रह गया बिल्कुल नेड़े आ उहदे मुहूर्त दे समय दे और नाल ही जो संगत की रिहायश वास्ते सराह बन रही है उहदा कार्ज भी पूरी तेजी नाल चल रहा और बटाला रोड जिहड़ा यूनिट नंबर 3 है जिहदी रजिस्ट्री हुण 20 जुलाई नूं होएगी उत्थे भी बड़ी तेजी दे नाल सारे सेवावां दे कार्य शुरू हो चुके ने। हर पक्ष तों मैं आप जी की असीस ते बख्शीश की आस रखदा। मेरी बेनती है भुल्यो ना 20 जुलाई नूं जो अद्धी पेमेंट रह गई है बटाला रोड वाली जगह की उहदी रजिस्ट्री होएगी अद्धी पेमेंट असीं 20 जुलाई तक देनी है। पूरा आप जी परिवारक मैंबर मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ भी दिओ एक दूजे नूं प्रेरणा भी करो और इस भूमि दान दे विच वड्डे दान दे विच क्योंकि ये वड्डा दान हुंदा भूमि दान इस भूमि दान वड्डे दान दे विच अपना वध तों वध सहयोग भी दिओ। पूरी अकाउंट डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रही है आप जी स्क्रीनशॉट लै लो और अपनी सेवा इन अकाउंटां दे विच आप जी पा सकते हो और सेवा पाउण तों बाद आप जी सानू हेठां दित्ते नंबरां दे उत्ते जो अपना मैसेज कर देना तां जो रसीद और सत्कार तुहाडे तक भेजा जा सके। अपनी सेवा तुसीं सानू गूगल पे पेटीएम फोन पे भी कर सकते हो 9815 99513 नंबर ते 9815089513 इस नंबर ते आप जी अपनी सेवा सानू तुसीं फोन पे गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हो। फिर मैं बेनती करना भुल्यो ना 20 जुलाई तक पूरा जोर ला दिओ जिन्ना जोर ला सकते हो ताँ जो 113 यूनिट मैं कहना ये डबल ट्रिपल काम हो जाए और होएगा उदों ही जदों तुसीं मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के साथ दोगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी सतसंग जी आप जी के चरणों च बेनती दास की तीसरी किताब प्रेरणादायक अनमोल बचन जो आप जी की खिदमत दे विच हाजर है इस किताब दे विच तुहानू मोटीवेट करन वास्ते तुहानू हलूणा देन वास्ते वक्रे वक्रे बचन ने जिहड़ा भी किताब नू पढ़ रहा उहनू इदां दी फीलिंग आउंदी जिवें बाबा दीप सिंह जी अज साडे लई इह बचन कर रहे ने। इह किताब नू आप जी जरूर पढ़िओ भी और प्रचार हित वंडियो भी। अगली बेनती जो ये नवीं पेन ड्राइव आई है इस पेन ड्राइव दे विच जो जपजी साहब जाप साहब तप प्रसाद सवैये इन्हां दी कथा कीती गई है ये मेरी बेनती है एक एक अपने लई एक एक गांव वंडन वास्ते जरूर मंगवायो और तुहानूं ये जान के खुशी होएगी ये जो वाहिगुरु सिमरन दी चिप ये रसोई च ला लो भावें अपने कमरियां च ला लो 24 घंटे ये मिठी जी आवाज़ विच सिमरन चलदा रहे इदां दी फीलिंग आउण लग पैंदी इहो जिहा औरा बन जांदा है कि बाबा दीप सिंह जी साडे उत्ते बख्शिशां कर रहे ने। ये सारियां चीज़ां आप जी अपने लई भी ते अगां प्रचार हित वंडन लई भी किसे बच्चे दा जन्मदिन है जां मैरिज एनिवर्सरी है उस संबंध दे विच वंडन लई भी मंगवाउण वास्ते स्क्रीन दे उत्ते जो नंबर चल रहे ने इन्हां नंबरां दे उत्ते तुसीं संपर्क कर सकते हो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।